बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर लीस्ट चांस होता है इन्फेक्शन का। लिवर में लीस्ट चांस होता है इन्फेक्शन का। एनी ऑर्गन विद द मल्टीपल सप्लाइज विल हैव द लीस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन एंड दिस इन्फेक्शन वुड बी रेड हेमरेजिक इन्फार्क्ट। कोई भी ऑर्गन जिसकी एक से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, मल्टीपल ब्लड सप्लाईज होती है, उनके अंदर इन्फेक्शन का चांस कम होता है। और इस तरह के अगर ऑर्गन्स के अंदर इन्फार्क्ट हो तो वो हेमरेजिक या रेड इन्फार्क्ट होते हैं, जैसे कि लिवर, लंग, इंटेस्टाइन्स और टेस्टीज में। जो पेल एनीमिक इन्फार्क्ट होते हैं वो सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर होते हैं जिनकी सिंगल एंड आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है। एग्जाम्पल में आपकी हार्ट आता है, किडनी आता है, स्प्लीन आती है। हार्ट, किडनी, स्प्लीन के अंदर वाइट इन्फार्क्ट होते हैं क्योंकि इनकी सिंगल ब्लड सप्लाई होती है। और जो हेमरेजिक इन्फार्क्ट हैं वो डुअल या मल्टीपल ब्लड सप्लाईज वाले ऑर्गन्स में होते हैं, जिसमें आपकी इंटेस्टाइंस आती हैं, लिवर आता है, टेस्टीज आती हैं और लंग्स आते हैं। नाउ एमसीक्यूज, एक पेशेंट आया जिसको डायग्नोज किया, उसको पेल इन्फार्क्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज इट अकर? तो एम्बोलिक या इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर आपको पेल इन्फार्क्ट डेवलप हो जाते हैं। एम्बोलिक या इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह से पेल इन्फार्क्ट डेवलप हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली इन्फार्क्ट इन आर्टीरियल ब्लॉकेज? लिवर के अंदर जब आर्टीरियल ब्लॉकेज होती है तो इन्फार्क्शन का चांस सबसे कम होता है। लिवर के अंदर लीस्ट चांस होते हैं इन्फार्क्शन के। रेड इन्फार्क्ट आपको इनकाउंटर हुआ ड्यू टू द आर्टीरियल ब्लॉकेज इन टिश्यू विद द डबल सर्कुलेशन। रेड इन्फार्क्ट हमें उन टिश्यूज के अंदर मिलते हैं जिनकी डबल सर्कुलेशन होती है। अगर आपकी आर्टीरियल ब्लॉकेज की वजह से रेड इन्फार्क्ट मिल रहा है ऐसे टिश्यू के अंदर जिसकी डबल सर्कुलेशन होगी या फिर मल्टीपल सप्लाईज होंगी सर्कुलेशन की। हेमरेजिक इन्फार्क्ट टिपिकली आपके लंग्स के अंदर हो सकता है, लिवर के अंदर हो सकता है, इंटेस्टाइन्स के अंदर हो सकता है या टेस्टीज में हो सकता है। लंग के अंदर होगा जिसमें पल्मोनरी अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हुआ है। एम्बोलस या इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह से आपको वाइट या पेल इन्फार्क्ट भी डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ नेक्रोसिस बताई हुई है। ब्रेन के अंदर जो नेक्रोसिस होती है वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। ब्रेन के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है और सॉलिड ऑर्गन जैसे कि किडनी हो गई, हार्ट हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर आपकी कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। टीबी के अंदर केशियस नेक्रोसिस होती है। पैनक्रियाटाइटिस के अंदर आपकी एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है। ब्रेस्ट ट्रॉमा या एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर भी आपको ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है। पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के अंदर या किसी भी वैस्कुलाइटिस के अंदर फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। ब्रेन के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस थी, सॉलिड ऑर्गन्स, लंग के अंदर, लिवर के अंदर, सॉरी किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। किडनी सॉलिड ऑर्गन है, हार्ट सॉलिड ऑर्गन है, एड्रिनल ग्लैंड आपके सॉलिड ऑर्गन्स हैं। इनमें आपकी कॉग्लेटिव नेक्रोसिस होती है। टीबी के अंदर केशियस नेक्रोसिस होती है। लंग्स में आपकी केशियस नेक्रोसिस होगी, टीबी में केशियस नेक्रोसिस होगी। पैनक्रियाटाइटिस के अंदर एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है। ब्रेस्ट ट्रॉमा या एब्डोमिनल ट्रॉमा में ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होगी। पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के अंदर या किसी भी वैस्कुलाइटिस के अंदर आपकी फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। सार्कोइडोसिस के अंदर नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास मिलते हैं। अगर ग्यूमेटस नेक्रोसिस होगी तो सिफिलिस के अंदर ग्यूमेटस नेक्रोसिस होती है। एओटिक डायसेक्शन के अंदर आपको मीडियल नेक्रोसिस होती है। कॉगुलेटिव नेक्रोसिस ड्राई गैंग्रीन के अंदर होती है। वेट गैंग्रीन के अंदर सुपर इन्फेक्टिव होगी, लिक्विफेक्टिव आपकी सुपर इम्पोज कर जाती है कॉगुलेटिव नेक्रोसिस पे। जब आपके वेट गैंग्रीन होगा तो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस के ऊपर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस सुपर इन्फेक्शन होती है, लिक्विफेक्टिव आपकी सुपर इम्पोज हो जाती है कॉगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर। वैसे ड्राई गैंग्रीन के अंदर कॉगुलेटिव नेक्रोसिस थी और एओटिक डायसेक्शन के अंदर मीडियल नेक्रोसिस होती है। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के अंदर होती है। पोलीआर्थराइटिस नोडोजा को हम फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस से डायग्नोज करते हैं। जो वेगनस ग्रैनुलोमाटोसिस वैस्कुलाइटिस होता है उसका भी मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस है। किसी भी वैस्कुलाइटिस के अंदर आपकी फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। जो माइक्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक पोलीआर्थराइटिस नोडोजा वैस्कुलाइटिस का फीचर होता है फीमेल्स के अंदर, हमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है आर्टीरियोल्स के अंदर। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस आपकी वैस्कुलाइटिस के अंदर होती है, पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के अंदर होती है, वेगनस ग्रैनुलोमाटोसिस वैस्कुलाइटिस में होती है। उसके बाद कॉगुलेटिव नेक्रोसिस, जो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस है गैंग्रीन के अंदर आपकी कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। ड्राई गैंग्रीन के अंदर कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। वेट गैंग्रीन के अंदर आपकी कॉगुलेटिव के ऊपर लिक्विफेक्टिव सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाती है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस, जो हार्ट सेल्स के अंदर होती है आपकी कॉगुलेटिव नेक्रोसिस। हार्ट के अंदर सॉलिड ऑर्गन के अंदर एमआई वाले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले पेशेंट्स के अंदर कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। एमआई के पेशेंट की डेथ हो गई, कॉगुलेटिव नेक्रोसिस आपको ऑटोप्सी के ऊपर नजर आ रही है, न्यूट्रोफिल्स नजर आते हैं, तो एज ऑफ इन्फार्क्ट क्या होगी 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर के बाद हमें जब हम ऑटोप्सी करेंगे एमआई वाले पेशेंट के, हमें कॉगुलेटिव नेक्रोसिस नजर आती है और न्यूट्रोफिल्स नजर आते हैं। अब पेशेंट है उसकी एंटीरियर वॉल का एमआई हुआ एम्बुलस की वजह से, कॉरोनरी आर्टरी के अंदर एम्बुलस था तो उनका एंटीरियर वॉल का एम्बुलाई हुआ, तो कौन सी नेक्रोसिस होगी? हार्ट में, हार्ट के अंदर ये एमआई वाले पेशेंट के अंदर कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होती है कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। फीमेल पेशेंट की डेथ होगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, उसका हार्ट साइज नॉर्मल था लेकिन लाइपोफ्यूशन पिगमेंट आपको नजर आ रहा है कार्डिक फाइबर्स के अंदर। डायग्नोसिस क्या होगी? ऑटोफेगी। लाइपोफ्यूशन पिगमेंट आपको ऑटोफेगी के अंदर नजर आता है। लाइपोफ्यूशन पिगमेंट हमें ऑटोफेगी का नजर आते हैं, इसे हम ब्राउन एट्रोफी भी कहते हैं।
लाइपोफिशियन हमें पिगमेंट कार्डिक फाइबर्स के नजर आएगी, इसे ब्राउन एट्रॉफी कहते हैं। हार्ट सेल्स के अंदर हमें लाइपोफिशियन पिगमेंट मिलता है। कौन सी टाइप की नेक्रोसिस हमें हार्ट और किडनी के अंदर मिलती है? किडनी और हार्ट के अंदर हमें कॉगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है। आउटलाइन अ सेल इज प्रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्रोसिस? कॉगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर जो आपकी सेल की आउटलाइन होती है वो प्रिजर्व रहती है। कॉगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर आपके सेल की जो आउटलाइन होगी वो प्रिजर्व रहती है। एक एम्बुलस लॉस हुआ रीनल आर्टरी के अंदर, एक दिन के बाद फोकल एरिया आपको नजर आ रहा है रीनल पैरेन्काइमा का, जो कि जिसकी डिस्टर्ब हुई हुई है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑक्लूडेड आर्टरी की वजह से हमें कैरियोलाइस और कैरियोरेक्सिस नजर आ रही है। द आउटलाइंस ऑफ द सेल्स आर विजिबल, आउटलाइंस आपके सेल्स की विजिबल हैं। तो जो आउटलाइंस होती हैं सेल्स की वो विजिबल होती हैं कॉगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर। और जो न्यूक्लियाई उनका लॉस्ट हो गया, बेसोफिलिक स्ट्रेनिंग उनकी लॉस्ट हो गई है, साइटोप्लाज्म उनका इयोसिनोफिलिक हो गया है लेकिन पेल है। टाइप्स ऑफ सेलुलर नेक्रोसिस में कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, एक तो ये कि किडनी के अंदर कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है क्योंकि सॉलिड ऑर्गन, और दूसरा ये कि जो आउटलाइन होती हैं सेल्स की वो मेंटेन रहती हैं कॉगुलेटिव नेक्रोसिस में। नाउ अब एक ओल्ड मैन है, इमरजेंसी के अंदर आया, उसको शदीद चेस्ट पेन हो रहा है, उसको लाइफ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपने दिया, 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। ऑटोप्सी के ऊपर आपको कॉगुलेटिव नेक्रोसिस नजर आ रही है एंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें कॉलेजन फाइब्रोब्लास्ट का नेक्रोटिक टिश्यू नजर आएगा। अगर आपको कॉगुलेटिव नेक्रोसिस नजर आ रही है एमआई वाले पेशेंट के अंदर, तो माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें कॉलेजन फाइब्रोब्लास्ट नजर आते हैं और साथ नेक्रोटिक टिश्यू होगा, कॉलेजन फाइब्रोब्लास्ट नेक्रोटिक टिश्यू होगा। एक एल्डरली ओबीज मैन था, उसको सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस थी, उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन हुआ, पेट में दर्द हुआ, जब आपने लेप्रोटोमी कराई तो इंटेस्टाइंस के ऊपर आपको डार्क पर्पल कलर नजर आ रहा है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी उसकी एथेरोस्क्लेरोटिक थी, थ्रोम्बोज थी और मेसेंटेरिक वेन उसकी बिल्कुल पेटेंट थी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पैथोलॉजी में मिलेगी वो क्या होगी, वेट गैंग्रीन होगी, वेट गैंग्रीन है, क्योंकि पर्पल कलर का आपको नजर आ रही है आपके स्मॉल इंटेस्टाइंस, तो उसको वेट गैंग्रीन डेवलप हो गया स्मॉल इंटेस्टाइंस में। अब जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, एक पेशेंट है उसके अंदर आपको एक हेमिप्लेजिया हुआ है, सीटी स्कैन के ऊपर आपको इस्कीमिया ऑफ द ब्रेन नजर आ रहा है, तो टाइप ऑफ नेक्रोसिस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। ब्रेन के अंदर हमेशा, या हेमिप्लेजिया पर पेशेंट आया उसको इस्कीमिया हुआ ब्रेन का, तो ब्रेन के अंदर हमेशा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो ब्रेन के अंदर होती है वो लिक्विफेक्टिव होती है, जो हार्ट के अंदर होती है वो आपकी कॉगुलेटिव होती है, और किडनी के अंदर भी कॉगुलेटिव होती थी। और पेशेंट अगर डायग्नोज हुआ है स्ट्रोक के साथ, पेल इनफार्क्ट आपको मिल रहा है, तो कॉज क्या हो सकती है, एम्बुलस हो सकता है या फिर इस्कीमिक स्ट्रोक होगा। टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो इस्कीमिक ब्रेन इंजरी में मिलती है वो लिक्विफेक्टिव होती है। 68 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसको कॉन्शियसनेस लॉस हो गई है, 1 घंटे के बाद शी कुड नॉट स्पीक और मूव हर आर्म, उसको वो अपनी बाजू भी नहीं चला हिला पा रही है, टांगे भी नहीं हिला पा रही है। 2 महीने के बाद सीटी स्कैन आपने कराया तो आपको लार्ज सिस्टिक एरिया नजर आया लेफ्ट पैरिटल लोब के अंदर। पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो हमें नजर आएगा ब्रेन के अंदर वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। उसके बाद एक फैट नेक्रोसिस है, पेशेंट आया है, पेन पेट में दर्द है जो कि बैक तक जा रहा है, सीरम लाइपेज उसका ज्यादा हुआ है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो मेसेंट्री के अंदर होगी, जो लाई करती है इन फ्रंट ऑफ डायरेक्ट ऑर्गन, या जो आपका कैप्स्यूल होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का, उसमें आपको फैट नेक्रोसिस होती है, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है आपकी पैंक्रियाज के अंदर। टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर होती है फैट नेक्रोसिस, नेक्रोसिस जो हमें ओमेंटम के अंदर नजर आती है ड्यूरिंग पैंक्रियाटाइटिस दैट इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस ट्रॉमा की वजह से होती है, मोस्ट कॉमन कॉज आपकी फैट नेक्रोसिस की ट्रॉमा होती है, ट्रॉमा की वजह से मोस्ट कॉमनली आपको फैट नेक्रोसिस डेवलप होती है। नेक्रोसिस जो हमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर नजर आती है दैट इज फैट नेक्रोसिस। कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट फैट नेक्रोसिस ट्रॉमा होती है, ब्रेस्ट के अंदर आपको जो फैट नेक्रोसिस होती है वो ट्रॉमा की वजह से होती है। नेक्स्ट है इसमें कि कॉकेशियस नेक्रोसिस, एक पेशेंट आया है उसके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पेन हो रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा है, लिवर बायोप्सी के ऊपर आपको लार्ज एपिथेलॉइड सेल्स नजर आ रही हैं, साथ ग्रेनुलोमेटस डिजीज है इन द सेंटर, ग्रेनुलोमेटस है डिजीज है इन सेंटर, 1 जॉइंट सेल भी नजर आ रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियाई इन द पेरिफेरी, इंडिकेटिंग इज केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस में एक तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर उसको पेन हो रहा है, लिवर बायोप्सी आपने की और आपको एपिथेलॉइड सेल्स नजर आ रहे हैं, एपिथेलॉइड सेल्स विद ग्रेनुलोमेटस डिजीज, तो उसको टीबी होगी और टीबी के अंदर आपकी केशियस नेक्रोसिस होती है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपने लिवर की कराई, सेंट्रली डिस्टॉर्टेड एरिया डेट इज सराउंड बाय सेंट्रली डिस्टॉर्टेड एरिया जो कि सराउंडेड होगा एपिथेलॉइड सेल से, लिम्फोसाइट से, जॉइंट सेल से, मोस्ट लाइकली केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस में यही होता है कि आपके जो एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं और विद ग्रेनुलोमेटस डिजीज और सेंटर में आपके एपिथेलॉइड सेल्स होंगे और ग्रेनुलोमेटस डिजीज होगी, ठीक है, इन सेंटर 1 जॉइंट सेल विद द मल्टीपल न्यूक्लियर, ठीक है, जॉइंट सेल्स को सराउंड किया हुआ होता है एपिथेलॉइड सेल्स ने, सेंट्रल डिस्टॉर्टेड एरिया को अगर एपिथेलॉइड सेल्स ने, लिम्फोसाइट्स ने, जॉइंट सेल्स ने सराउंड किया हुआ तो आपको केशियस नेक्रोसिस के अंदर यही पिक्चर मिलती है हिस्टोलॉजी पे। माइक्रोस्कोपी के ऊपर लिम्फ नोड बायोप्सी कराई है तो ग्रेनुलोमा आपको मिल रहा है, ग्रेनुलोमा मिल रहा है, तो व्हाट मेड द डायग्नोसिस ऑफ द टीबी, केशियस नेक्रोसिस से आपको पता, ग्रेनुलोमा के अंदर ग्रेनुलोमा है, ठीक है, और अगर लिम्फ नोड में ग्रेनुलोमा मिले लेकिन अगर केशियस नेक्रोसिस होगी तो उससे हमें पता चलेगा कि आपको टीबी है।
पेशेंट को ड्राई कफ है, हल्का फुल्का बुखार है, मलेज है पिछले कुछ महीनों से, तो माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें क्रेशियस ग्रेनुलोमा मिलेगा टीबी के अंदर। नॉन केशियटिंग ग्रेनुलोमा और हाइलेलिफेडिनोपैथी और हाइपर कैल्सीमिया में सार्कोइडोसिस के अंदर मिलता है। नॉन केशियटिंग ग्रेनुलोमा होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं सार्कोइडोसिस के अंदर और हाइलेलिफेडिनोपैथी मिलती है। अगर फीवर 6 महीने से और साथ आपके हाइलर लिम्फ नोड्स एनलार्ज हैं और केशियस नेक्रोसिस है तो डायग्नोसिस क्या होगी? टीबी। पेशेंट प्रेजेंट किया लो ग्रेड फीवर है, नॉन हीलिंग अल्सर है उसकी टंग के ऊपर, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, ग्रेनुलोमा विद केशियस नेक्रोसिस है, चेस्ट एक्सरे के ऊपर नॉर्मल हाइलर लिम्फ नोड है। अगर आपको हिस्टोलॉजी के ऊपर ग्रेनुलोमा और केशियस नेक्रोसिस मिल जाए तो डायग्नोसिस आपकी ट्यूबरक्लोसिस होगी। एक पेशेंट है जिसको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, चेस्ट एक्सरे के ऊपर उसको बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हुई है, बायोप्सी के ऊपर आपको टिपिकल ग्रेनुलोमा नजर आ रहा है विद ग्रैनुलोमाटस नेक्रोसिस सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, डायग्नोसिस इज सार्कोइडोसिस। बायलैटरल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होगी, बायोप्सी के ऊपर आपको ग्रैनुलोमा नजर आ रहा है लेकिन ग्रैनुलोमाटस नेक्रोसिस है सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर, तो डायग्नोसिस आपकी सार्कोइडोसिस होगी। एक तो बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है और अगर आपके सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर अगर आपको ग्रैनुलोमाटस नेक्रोसिस मिले तो वो सार्कोइडोसिस होगी। उसके बाद जो गमेटस नेक्रोसिस होती है वो सिफिलिस के अंदर होती है, जो गमाज होते हैं वो सिफिलिस के अंदर बनते हैं। एन्यूरिज्म इज लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपकी किसी एक स्पेसिफिक जगह पे आपकी ब्लड वेसल की एबनॉर्मल डायलेशन को हम एन्यूरिज्म कहते हैं। ब्लड वेसल की एबनॉर्मल डायलेशन को हम एन्यूरिज्म कहते हैं। डिफिकल्टी या लैक ऑफ ट्यूनिका मीडिया ड्यू टू डेवलपमेंटल वीकनेस। बैरी एन्यूरिज्म के अंदर आपकी क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है या फिर आपकी जो ट्यूनिका मीडिया का लैक करते हैं डेवलपमेंटल वीकनेस की वजह से। बैरी एन्यूरिज्म के अंदर डेवलपमेंटल वीकनेस होती है जिसकी वजह से आपकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है या तो वो नहीं होती है या फिर उसकी डेफिशिएंसी होती है। सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस के अंदर आपकी ट्यूनिका मीडिया की नेक्रोसिस हो जाती है। सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस नाम से ही बता रही है कि आपकी ट्यूनिका मीडिया की नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जो डेफिशिएंसी है लैक ऑफ ट्यूनिका इंटीमा अगर होगा तो उसे हम कहते हैं डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म। डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म के अंदर आपकी जो ट्यूनिका इंटीमा होती है उसकी डेफिशिएंसी या लैक होता है। बैरी एन्यूरिज्म के अंदर आपकी ट्यूनिका मीडिया का डेफिशिएंसी होगी और डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म के अंदर आपकी ट्यूनिका इंटीमा की डेफिशिएंसी या लैक होगा। डिसेंडिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म में एथ्रोसेक्लेरोसिस होती है। डिसेंडिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म्स के अंदर एथ्रोसेक्लेरोसिस होगी। अब आते हैं ट्रू एन्यूरिज्म्स। जो ट्रू एन्यूरिज्म्स होते हैं वो आपकी वॉल एटेन्यूएटेड वॉल ऑफ हार्ट या ऑल थ्री लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे। ऑल थ्री लेयर्स को जो इन्वॉल्व करते हैं उसे हम ट्रू एन्यूरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका एथ्रोसेक्लेरोटिक एन्यूरिज्म आता है, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म आता है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म आता है। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एन्यूरिज्म हो सकता है, सिफिलिस की वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है या फिर एथ्रोसेक्लेरोटिक एन्यूरिज्म होगा। अब ट्रू एन्यूरिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक सेकुलर एन्यूरिज्म होता है, एक फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म होता है। जो सेकुलर एन्यूरिज्म होगा इसमें आपकी स्फेरिकल आउट पाउचिंग होती है और जो फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म होता है इसमें आपकी सर्कमफ्रेंशियल आउट पाउचिंग होती है। ओके, सो जो फॉल्स एन्यूरिज्म होते हैं जब आपकी वैस्कुलर वॉल के अंदर ब्रीच आता है तो उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमाटोमा जो बन जाता है और पल्सेटिंग हिमाटोमास बन जाते हैं आपके फॉल्स एन्यूरिज्म्स के अंदर। फॉल्स एन्यूरिज्म के अंदर आपके वैस्कुलर वॉल के अंदर ब्रीच आता है और आपको एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमाटोमा बन जाता है जिसको हम पल्सेटिंग हिमाटोमा भी कहते हैं। उसके बाद डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म आते हैं। जो डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म होते हैं ये आपके अराइज करते हैं व्हेन ब्लड एंटर्स द वॉल ऑफ एन आर्टरी डायसेक्टिंग बिटवीन द लेयर्स। जब कोई ब्लड आपकी आर्टरी की ही वॉल्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका इंटीमा और जो एडवेंटिशिया होती है आर्टरी की वॉल्स के दरमियान में ही अगर ब्लड चला जाता है और आर्टरी की वॉल्स को सेपरेट कर देता है डायसेक्ट कर देता है तो उसको हम कहते हैं डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म। इसकी एग्जाम्पल में आपका एओर्टिक एन्यूरिज्म आता है, एओर्टिक डायसेक्शन आती है, एओर्टिक डायसेक्शन एन्यूरिज्म आता है, एसोसिएटेड होता है हाइपरटेंशन के साथ, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के साथ, या इनहेरिटेड अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो जैसे कि मायोफन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर। मायोफन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म होते हैं। अगर आपका बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होगा तो उसके अंदर होंगे, या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के अंदर डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म्स होते हैं। ये प्रेजेंट करता है आपको टीयरिंग चेस्ट पेन होता है, सडन अचानक से आपको शदीद चेस्ट पेन होगा, टीयरिंग चेस्ट पेन होगा, रेडिएट करेगा आपकी बैक पे और साथ इसमें आपको अनइक्वल बीपी होता है आपकी आर्म्स के अंदर, आपकी राइट एंड लेफ्ट आर्म के अंदर बीपी अनइक्वल होगा, टीयरिंग चेस्ट पेन होगा जो रेडिएट करता है बैक पे और सडन ऑनसेट होता है। चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें मीडियास्टिनल वाइडनिंग नजर आती है, मीडियास्टिनम हमें वाइड नजर आती है चेस्ट एक्सरे के ऊपर। कैन रिजल्ट इन रप्चर पेरिकार्डियल टेम्पोनाड एंड डेथ। ये डायसेक्टिंग जो आपके एओर्टिक डायसेक्शन होती है ये अगर रप्चर कर जाए तो पेरिकार्डियल टेम्पोनाड करा देती है और डेथ भी करा देती है। अब इसकी दो तरह की टाइप्स होती है, एक होती है स्टैनफोर्ड टाइप ए जिसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, एक होती है स्टैनफोर्ड टाइप बी जो कि डिस्टल होती है। जो प्रॉक्सिमल स्टैनफोर्ड टाइप ए होती है वो आपके असेंडिंग एओटा को इन्वॉल्व करती है, मे एक्सटेंड टू एओटिक आर्च और डिसेंडिंग एओटा, ट्रीटमेंट इज सर्जरी। जो आपकी टाइप ए है वो आपकी प्रॉक्सिमल होती है, आपके असेंडिंग एओटा को इन्वॉल्व करती है, आपकी एओटिक आर्च या डिसेंडिंग एओटा को भी इन्वॉल्व कर सकती है, इसकी ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं।
जो सेंट्रल टाइप बी होती है ये आपके डिसेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करती है, ये डिस्टल होती है डिसेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करेगी, आपकी एओर्टिक आर्च को भी इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन इसमें असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व नहीं होता है। ट्रीटमेंट इसका मेडिकली करते हैं, इसमें बीटा ब्लॉकर्स देते हैं और फिर वेजोडायलेशन करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स देंगे, वेजोडायलेशन करेंगे, जब आपको स्टैनफोर्ड टाइप 2 डायसेक्टिंग एओर्टिक एनोरिज्म होते हैं जो कि डिस्टल होते हैं, आपके डिस्टल डिसेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करते हैं, एओर्टिक आर्च को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन आपके असेंडिंग एओर्टा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जो स्टैनफोर्ड टाइप ए थी वो प्रॉक्सिमल होती है, इसमें एओर्टिक आर्च इन्वॉल्व हो सकती है और आपका डिसेंडिंग एओर्टा भी इन्वॉल्व हो सकता है अलॉन्ग विद असेंडिंग एओर्टा। उसके बाद आते हैं बेरी एनोरिज्म्स। नाउ द नेक्स्ट इज बेरी एनोरिज्म्स। बेरी एनोरिज्म्स आपके स्मॉल सर्कुलर लीजन्स होते हैं जो कि ऑफनली आपकी स्मॉल आर्टरीज को इन्वॉल्व करते हैं ब्रेन की, स्पेशली सर्कल ऑफ विलस के अंदर। आपकी जो स्मॉल आर्टरीज ब्रेन की होती हैं सर्कल ऑफ विलस के अंदर होती हैं, वहाँ पे आपके सर्कुलर लीजन्स आपको नजर आते हैं, ये स्मॉल आर्टरीज को अफेक्ट करता है, सर्कल ऑफ विलस को अफेक्ट करता है। ये एथरोसक्लेरोसिस के साथ अनरिलेटेड होते हैं, एथरोसक्लेरोसिस की वजह से नहीं होते हैं बेरी एनोरिज्म्स। बेरी एनोरिज्म एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन डिवेलप हो सकते हैं एट द साइट ऑफ कंजेनिटल मीडियल वीकनेस एट द बाइफर्केशन ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज। एट बर्थ तो बेरी एनोरिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो आपकी सेरिब्रल आर्टरीज की जहाँ पे बाइफर्केशन हो रही होती है वहाँ पे अगर आपको कंजेनिटल मीडियल वीकनेस होगी तो फिर ही आपके वहाँ पे बाद में डिवेलप हो सकते हैं। ये एनोरिज्म्स मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज होते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज की। इनकी अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ भी एसोसिएशन होती है। APKD अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर आपको बेरी एनोरिज्म्स होते हैं, सबएरेक्नॉइड हेमरेज कराते हैं। बेरी एनोरिज्म एट बर्थ नहीं होते हैं, जो बाद में आपकी जो कंजेनिटल मीडियल वीकनेस होती है जहाँ पे आपकी सर्वल आर्टरीज बाइफिकेट करती है वहाँ पे बाद में डेवलप हो सकते हैं। इनका एथरोसक्लेरोसिस से कोई लेना देना नहीं होता है और ये स्मॉल आर्टरीज के अंदर होते हैं, स्पेशली ब्रेन की, जिसमें सर्कल ऑफ विलस आता है। उसके बाद एबनॉर्मल एओर्टिक एनोरिज्म आते हैं। जो एबनॉर्मल एओर्टिक एनोरिज्म होते हैं एथरोसक्लेरोटिक एनोरिज्म होता है और ये ज़्यादातर आपके डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर होता है स्पेशली, और एब्डोमिनल एओर्टा को इन्वॉल्व करता है। डिसेंडिंग के अंदर होता है, एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर आपके एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म होंगे और ये एथरोसक्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है, एथरोसक्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होगा। और इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसमें पेशेंट जो टोबैको यूज़ लेते हैं, एज ज़्यादा होने जाने की वजह से, मेल सेक्स में और फैमिली हिस्ट्री की वजह से, मेल में प्रेजेंट कर सकता है पैल्पेबल पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास। अगर आपको पैल्पेबल पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास मिलेगा तो वो एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म हो सकता है, इसमें एज की वजह से मेल सेक्स के अंदर होता है। अब जो एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म था इसमें आपके टोबैको यूज़ की वजह से हो सकता है या मेल सेक्स के अंदर, मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, फैमिली हिस्ट्री की वजह से या एज ज़्यादा हो जाने की वजह से एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म होता है। इसकी मेन चीज़ ये होती है कि आपको पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास मिलेगा। जो सिफिलिस या लियोटिक एनोरिज्म्स होते हैं ये आपके टर्शियरी सिफिलिस के अंदर सिफिलिट या जो टर्शियरी सिफिलिस के अंदर जो आपके एनोरिज्म होते हैं इनको हम सिफिलिटिक एनोरिज्म या फिर लियोटिक एनोरिज्म कहते हैं। इसमें आपको ऑब्लिटेटिव एंडोआर्ट्राइटिस डेवलप हो जाता है वेजा विजोरम का और नेक्रोसिस हो जाती है मीडिया की। इसमें ट्री बार्क अपेयरेंस आती है और ये अनलाइक एथरोसक्लेरोटिक एनोरिज्म, सिफिलिटिक एनोरिज्म करेक्टरिस्टिकली आपके असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करते हैं। सिफिलिटिक एनोरिज्म आपके असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करेंगे, टी बार्क अपेयरेंस आती है क्योंकि आपका ऑब्लिटेटिव एंडोआर्ट्राइटिस डेवलप हो जाता है आपके वेजा विजोरम का और नेक्रोसिस हो जाती है इस मीडिया की। क्लासिकल फाइंडिंग में हमें एओर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन मिलती है और ब्रासी कफ होती है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द लेफ्ट रिकरेंट रेंजल नर्व। ब्रासी कफ हमें मिलती है टर्शियरी सिफिलिस के अंदर सिफिलिटिक एनोरिजम्स की वजह से और साथ आपके एओर्टिक वाल्व की रीगर्जिटेशन होती है, आपके एओर्टिक असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करता है, ट्री बार वाली अपेयरेंस आती है और इसमें ऑब्लिटेटिव एंडोआर्ट्राइटिस डेवलप हो जाता है आपकी वेजा विजोरम का और नेक्रोसिस हो जाती है आपकी मीडिया की। उसके बाद MCQ सेम है कि 50 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको शदीद चेस्ट पेन हो रहा है जो कि इसके बैक तक रेडिएट कर रहा है और टॉप से की फाइंडिंग्स क्या होंगी, मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा। इसमें मीडिया की नेक्रोसिस इसलिए होगी क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डायसेक्टिंग एनोरिज्म होते हैं उसके अंदर डायसेक्टिंग एनोरिज्म जो आपका एओर्टिक डायसेक्शन वाला एनोरिज्म होता है, एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर पेशेंट को टीयरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि उसकी बैक तक रेडिएट करेगा और उसकी डेथ होगी तो उसकी मीडियल नेक्रोसिस हुई भी होगी एओर्टा की मीडियल नेक्रोसिस हुई भी होगी। सिवियर चेस्ट पेन है, पेशेंट की डेथ होगी, टॉपसी के ऊपर डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व था तो क्या मीडियल नेक्रोसिस होती है, आपको डायसेक्टिंग एनोरिज्म के अंदर आपकी मीडियल नेक्रोसिस होती है, मीडिया की नेक्रोसिस जाती है डायसेक्टिंग एनोरिज्म के अंदर। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डायसेक्टिंग एनोरिज्म होता है इसमें आपको जो ब्लड होता है वो आपकी वॉल्स ऑफ द आर्टरी के अंदर चला जाता है और आपकी लेयर्स को डायसेक्ट कर देता है, तो इसमें ट्यूनिका मीडिया की नेक्रोसिस होती है डायसेक्टिंग एनोरिज्म्स में। मीडियल नेक्रोसिस हमें डायसेक्टिंग एनोरिज्म्स के अंदर मिलती है, मीडिया की नेक्रोसिस हमें मिलती है डायसेक्टिंग एनोरिज्म के अंदर, डायसेक्टिंग एओर्टिक एनोरिज्म के अंदर हमें मीडिया की नेक्रोसिस मिलती है। पेशेंट प्रेजेंट किया है उसको पेरिफेरल पल्सेशन उसकी डिक्रीज हुई नहीं है, एब्डोमेन पेट में उसको दर्द हो रहा है, क्रिएटिनिन काइनेज उसका नॉर्मल है, पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास है,
तो पल्सेटिंग एब्डोमिनल मैस हमने हमें एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म के अंदर मिलता है और साथ उसकी पेरिफेरल पल्सेशन भी डिक्रीज हुई है। ग्लूकोज इसका 130/150 है लास्ट 20 ईयर्स इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। अगर आपको पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपको एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म है और ये मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। फैमिली हिस्ट्री की वजह से या जिनकी एज ज़्यादा होती है, टोबैको की अगर हिस्ट्री होगी तो उनमें कॉमन होगा। उसके बाद एक 40-year-old मैन है जिसको हाइपरटेंशन थी, सिवियर सडन चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ है, मैसिव हेमरेज हो रहा है, उसकी डेथ हो गई थी इमरजेंसी के अंदर। एओर्टिक डिसेक्शन उसको है, एंडोटॉक्सी के ऊपर हमें मीडियल नेक्रोसिस नजर आएगी। एओर्टिक डिसेक्शन में हमें मीडियल नेक्रोसिस नजर आती है, डिसेक्टिंग एनोरिज्म में भी मीडिया की नेक्रोसिस हो जाती है। एओर्टिक डिसेक्टिंग एनोरिज्म एक्टोपिया लेंटिस है मार्फन सिंड्रोम। अब मार्फन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि जो एओर्टिक डिसेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एओर्टिक डिसेक्शन होती है वो मार्फन सिंड्रोम के अंदर कॉमन होती है और मार्फन सिंड्रोम के अंदर साथ आपको एक्टोपिया लेंटिस भी होता है और एओर्टिक डिसेक्टिंग एनोरिज्म भी होते हैं। एरिथ्रोमा की कॉज के अंदर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन की वजह से आपको एरिथ्रोमा डेवलप हो जाता है। एरिथ्रोमा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन की वजह से डेवलप होता है। एक यंग मेल प्रेजेंट किया है, उसका ब्लड प्रेशर अनइक्वल है बोथ आर्म्स के अंदर, अनइक्वल ब्लड प्रेशर है बोथ आर्म्स के अंदर और इंटरकॉस्टल पल्सेशंस है। एक्सरे के ऊपर नॉचिंग ऑफ द रिब्स नजर आ रही है, तो इसमें क्या होगी पोस्ट डक्टल एओर्टिक कॉक्टेशन। जब पोस्ट डक्टल एओर्टिक कॉक्टेशन के अंदर, एओर्टिक कॉक्टेशन के अंदर हमें रिब्स के ऊपर नॉचिंग नजर आती है और आपका जो बीपी जो है वो आर्म्स के अंदर अनइक्वल होगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बैरी एन्यूरिज्म आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है, जो आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ACA होती है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के अंदर सबसे ज़्यादा बैरी एन्यूरिज्म होते हैं।